एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आज बेसिकली इस व्लॉग में क्या होने वाला है। तो यस, मैं करने वाली हूँ किचन रिफ्रेश बोल सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा किचन इतना मेस्ड अप है। मतलब जो एक स्लैब है ना, क्योंकि अभी कुहू ने खाना स्टार्ट किया है, तो मेरे को अभी जो मुझे फंक्शनल करना है किचन को, वो इस तरीके से करना है कि कुहू का जितना भी सामान है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और सारी चीजें थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए और थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए। यस, आज के वीडियो में वही होने वाला है। उससे पहले आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक बच्चों का ब्लेंडर बताया था, फूड प्रोसेसर होता है, वो बताया था कि मैंने रिटर्न कर दिया, उसके बदले मैंने कुछ और चीज मंगवाई है, तो वही मैं आज शेयर करती हूँ क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है कुहू के लिए, जिससे हमको बहुत इजी हो गई बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैंने स्टार्ट किया था कटोरी चम्मच से ही, ठीक है, बट मैंने उसके लिए अलग कंटेनर्स कर लिए हैं। अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, सो वी आर ट्रैवलिंग टू भोपाल, तो मैंने सोचा कि वो कटोरी क्या होती है कि मिक्स हो जाता है, एक कटोरी नहीं रह पाती है, तो उससे क्या होता है क्योंकि सारी हमारी जितनी भी कटोरियाँ हैं वो सब एक जैसी दिखती है, तो मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि इसने कितना खाया। तो अभी ये मैंने अलग अलग कलर के ऐसे बाउल्स खरीदे हुए हैं, दिस इज फ्रॉम एक्चुअली, ये देखिए अंदर स्टील है और एयर टाइट है, और ये इतने अफोर्डेबल थे मिस्टर डीआईवाई से मेरे लिए हैं। मुझे जैसे ही दिखे मुझे बहुत अच्छे लगे, देखिए टाइट भी बहुत है और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें उसको लंच देती हूँ, डिनर देती हूँ और साथ में इसी में ब्रेकफास्ट देती हूँ, तो मुझे अभी पता है कि कितनी क्वांटिटी तक मैं भरती हूँ और कितना वो खाती है, तो ये अभी प्रॉपरली उसी के लिए डिफाइंड है। और ये उसकी स्पून है छोटी सी स्टील की जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, साथ में दो और एक्स्ट्रा डब्बे हैं स्टोरेज के लिए, अभी जैसे हम ट्रैवल करने वाले हैं तो, और अब हम कहीं भी जाएंगे तो ऐसा करके मैंने उसके दो तीन ऐसे बॉक्स ले लिया। उसके बाद एक छोटा सा मैंने वो खरीदा था, ये पूरा जल चुका है क्योंकि मैंने एक बार पानी रखने, इसका बॉयल पानी यहाँ पे रखा था इतना, और मैं भूल गई थी रख करके, मैं इसके काम में लग गई थी कुहू के, और ये पूरा जल चुका था। तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि ये जो मार्क्स हैं ये किस तरीके से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। तो बस ठीक है, और ये उसका है, इसमें पानी गर्म करती हूँ मैं, दाल उबालती हूँ, जो भी बॉइलिंग वाली चीज़ें होती हैं वो सब मैं इसमें करती हूँ, तो वो मैंने अलग कर दिया, तो हमको पता होता है कि हाँ अभी इतना पानी गर्म करना है जो दिन भर चलने वाला है। मैंने लिया था मार्केट 99 से, सिर्फ 299 रुपीज़ का था, बेस भी इसका काफ़ी थिक है वैसे। उसके बाद मेरे पास है, हम लोगों ने लिया था, दिस इज फ्रॉम लव लैब, वो खाना स्टार्ट करने से पहले मैंने उसके ऐसे टीथर्स ले लिए थे। ये क्या है ना, देखिए इसमें कैसा बना हुआ है, सिलिकन का ऐसा निप्पल बना हुआ है, तो मैं क्या करती थी, एप्पल को बॉईल करके इसके अंदर डाल देती थी और फ्रिज में रख देती थी, कैरेट डाल देती हूँ, जो भी डालना होता है स्टीम करके डालती हूँ और वो फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, निशा के यहाँ जाती हूँ या किसी के यहाँ भी जाती हूँ, तो मैं ये लेके जाती हूँ इनमें इसका सामान भर के फ्रिज में रख के, और बढ़िया वो अपना लेती रहती है, बनाना भर देती हूँ, मतलब जो भी है इसमें आप भर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। हमने मिस्टर डीआईवाई से ऐसे ग्लास का एक बॉटल ले रखा है, तो उसका पानी बॉईल करके दिन भर के लिए मैं इसमें रख देती हूँ। ऑब्वियसली इतना फुल बॉटल तो वो नहीं पीती है, बट जैसे हम उसका खाना बनाते हैं पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो वो बॉइल वाटर ही हम पानी खाना सब चीज़ में उसको यूज़ करते हैं, तो इससे वो पीती भी है, इसमें शिफ्ट करती जाती हूँ उसके सिपर में एंड इसका हम खाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक मैंने कटलरी कवर लिया है अगेन मिस्टर डीआईवाई से, तो इसमें जो स्पून आए थे वो ऐसे कुछ आए थे, एक तो ये था और एक ये आया था। मैं ये ना यूज़ करके ये तो रखूँगी जैसे भी ट्रैवल करना है तो उसके लिए लगेगा, और साथ में मैं इसका ये स्टील का स्पून भी इसमें रखती हूँ और ये अच्छे से ऐसे कवर हो जाता है, ये देखिए। तो पानी पिलाने के लिए मैं उसको सिपर के अलावा ग्लास में भी पिलाती हूँ ताकि उसको आदत रहे। उसके बाद जो एक और चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है वो ये सिलिकन टीथर है, ये मैंने सबसे पहला टीथर उसके लिए लिया था ब्रश स्टाइल में है, तो यूजुअली सबसे पहले मैं उसको यही वाला टीथर देती हूँ, स्टेरलाइज करती हूँ, वॉश करती हूँ। हमारे पास कोई अलग से हमने स्टेरलाइजर नहीं लिया है, हम नॉर्मल तपेली में सारे उसके टॉयज डालते हैं, गर्म पानी करते हैं और उस पर छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए और फिर हटा देते हैं, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेते हैं, और तो मुझे तो ये प्रोसेस सही लगता है, तो अभी तक जरूरत नहीं पड़ी हमको, था आगे स्टेरलाइजर ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नीड नहीं लगा है, अभी ऐसे काम चल रहा है जो उसके बाद हम लोगों ने जो इसके लिए मतलब हैंड ब्लेंडर, मैं आपको बता रही थी ना हम लोग को ब्लेंडर लेना ही लेना था, तो विक्की का मन था हैंड ब्लेंडर लेने का, उन्होंने ये वाला हैंड ब्लेंडर लिया है, फ्यूमेटो ब्रांड का है, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, फट से मतलब, क्योंकि जो घर का ब्लेंडर था ना उसको धोने में बहुत टाइम लगता था, उसकी हमको लिड निकालनी पड़ती थी और सब कुछ निकालना पड़ता था, इसमें इट्स वेरी इजी, फटाक से हो जाता है। ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिल्कुल दोनों के दोनों, मेरा ध्यान पूरा उधर है, तो फट से हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं ब्लेंड करने में,
दो मिनट नहीं लगते हैं ब्लेंड करने में, फटाक से हो जाता है और ऐसे निकाल करके आप नीचे से पूरा तुरंत मैं वॉश करके रख भी देती हूँ। ऐसे कंटेनर आया हुआ है और इसी में मैं फट ऐसे बनाती हूँ, मतलब अभी मैं उसको लगा दे रही हूँ, बढ़िया मैश करती हूँ, बिना पानी के भी आराम से मैश हो जाती है चीज़ें, तो मुझे तो ये बहुत हैंडी और बहुत सही लगा। मैं स्टीमर का पिक्चर डाल दूंगी कैसा दिखता है, या मैं वीडियो डाल दूंगी अभी बना करके। तो उस जाली वाला जो स्टीमर नहीं होता है वो हमने तपेली में रख रखा है, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ, मस्त तरीके से उसमें स्टीम हो जाता है और उसमें स्टीमर में हम लोग स्टीम करते हैं इसके वेजिटेबल्स और फ्रूट। दैट्स इट, ये अभी तक हमने सामान लिया है और ये भी कुछ चीज़ इसलिए ली है क्योंकि अभी ट्रैवल करना है। सब कुछ बहुत मस्त नहीं है बट हाँ इसकी वजह से हमारी लाइफ इजी हो गई है। देखिए पहले भी काम चलता था, ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो, बट हाँ अगर मैं बोलूँ कि इन सारे प्रोडक्ट से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई हो। अभी मुझे जाना है नीचे कुहू को लेकर के, ये देखो ये अभी सो के उठी है बच्चा, ये बच्चा अभी सो के उठा है, इसको नीचे जाना है। अब इसकी थोड़ी ढंगी हालत करूंगी बाल वाल में छोटी बना के। तो अब मैं जाती हूँ कुहू के साथ नीचे, थोड़ा घूम फिर के आती हूँ, फिर उसका खाने का टाइम हो जाएगा तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर बाद में। तो यहाँ पर मैं कुहू का खाना बना रही हूँ, ये मैंने मूंग की दाल, गाजर और पालक उसमें डाला है और अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एक सीटी मारी है और यहाँ पर मैं ब्लेंड कर दूंगी और ये उसके डिनर में देने वाली हूँ कुहू के। उसको टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा तो मैंने कैरेट और ऐड किया बाद में। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं। आज पता क्या हुआ, दिन में एक मेरे पास पार्सल आया मिंत्रा का, तो मेरे पास मैसेज तो आ गया था बट मैं सोच रही थी यार मिंत्रा का पार्सल, फिर मुझे दो मिनट बाद थोड़ा क्लिक हुआ कि किसी ने भेजा होगा, मतलब उसके इसके गिफ्ट्स आते रहते हैं। गिफ्ट्स मतलब जैसे कभी कोई मेरा कज़िन भेजता है, कभी कोई मेरी फ्रेंड भेजती है, कभी कोई भेजता है, कभी कोई भेजता है, पर जनरली मैसेज कर देते हैं ना। बड़ा प्यारा सा स्कर्ट है ऐसा और ये टॉप आया है। मैंने कहा अभी किसी से पूछूंगी खुद से, वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा अगर उसे नहीं भेजा होगा तो, उसके लिए भी एम्बेरेसिंग हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा अभी वेट करती हूँ, कोई का मैसेज तो आएगा ही आएगा फिर। तो मेरी एक मेरा फ्रेंड है प्रदीप, उसकी वाइफ ने भेजा है ये सब। बोलती अभी इसके हेयरबैंड्स और क्लिप्स भी मैंने ऑर्डर करे हैं, वो आएंगे दो तीन दिन में। इनको देख रहे हो, इनको छुटकू महाराज को, इतने लोग कहाँ कहाँ से आपको गिफ्ट भेजते हैं। तो चलिए इसका सब मैं करती हूँ। तो चलिए अब आप सीधे देखिएगा मेरा किचन मेकओवर का प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन रिवैम्प करना। तो सबसे पहले ये मैं आपको बिफोर दिखा रही हूँ अभी करंट सिचुएशन मेरे किचन की क्या है। ये वाला जो पूरा स्लैब है ना, ये बहुत ज़्यादा तरीके से मेस्ड अप हो रखा है क्योंकि देखिए पूरा सामान सब इधर उधर बिखर रहा है, मोस्टली आपको कुहू का सामान ही दिखेगा। तो हम सबसे पहले तो सॉर्ट आउट करते हैं स्लैब को, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब उसके डेजिग्नेटेड जगह पे जाएगा। मुझे अभी जो अंडर शेल्व्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी करना है बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, बट मैं धीरे धीरे करूँगी, एक चीज़ मैं एट अ टाइम कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ काउंटर टॉप्स जो है वही ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, अंदर वंदर का कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। तो जो भी अभी एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ कुक आती है हेल्प करती है, तो वो होता है ना अभी थोड़ा उनके हिसाब से वो रख के चली जाती हैं, तो उनको भी समझाना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन में, आंटी ये चीज़ यहाँ रखिए यहाँ रखिए, हालांकि वो रखती फिर भी बहुत अच्छे से हैं। तो अभी मैं डीप क्लीनिंग भी करूँगी क्योंकि इस तरीके के क्लीनिंग से ऑर्गेनाइजेशन से ना एक बहाना हो जाता है डीप क्लीनिंग का। तो अच्छे से सब कुछ डीप क्लीन करूँगी, फ्लावर्स वगैरह वॉश करूँगी। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीप क्लीनिंग। I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble. तो कुछ बैम्बू ऑर्गेनाइजर्स मैंने मंगवाए थे, उन्हीं को मैं ट्राई कर रही हूँ। कुछ मेरे पास पुराने रखे हुए थे और कुछ मेरे मैंने मंगवाया हुआ था, तो वही पुराने नए सबको निकाल निकूल करके मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सेट करके देख रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। एंड अगेन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये हम चेंज कर सकते हैं, वैसे तरीके का मैं कर रही हूँ। तो अभी टेम्प्रेरी जो वर्कआउट कर रहा है, मैंने वहाँ पर पीछे वास रखने का कोशिश किया बट कोई मतलब नहीं रहा उसको वहाँ रखने का बिकॉज उसका कलर पूरा छुप गया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ग्लास का बॉटल लूंगी। पहले मैंने प्लास्टिक बॉटल भी रखने का ट्राई किया बट उसको था हाइट नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक ग्लास का बॉटल था मेरे पास वो रखा वहां पर पीछे और उसमें वो रख दिया। तो वहां पर फ्लावर्स दिख रहे हैं।
ये जो शुगर टी कॉफ़ी सॉल्ट का आप कैनिस्टर देख रहे हैं, ये मैंने दिल्ली से मंगवाए हैं, बहुत ही अमेजिंग है, सिरेमिक के हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ देखिए, इनकी जो स्पून होल्डर है वो कितना सही तरीके से साइड में लगे हुए हैं, तो बड़े प्यारे लगे मुझे ये। तो मैं इसी का आइवरी काइंड ऑफ शेड में ही सारी चीज़ें लगाने वाली हूँ। तो जो जो भी चीज़ें मैंने जहाँ से मंगवाई है, ऑनलाइन जो मंगवाया है, मैं वहाँ की डिटेल्स डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। Trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. अब आया है मेन एरिया जिसको हमको क्लीन करना है, जो सबसे ज़्यादा मेस्ड अप है, और इसको मुझे सबसे ज़्यादा सॉर्ट करना है, बिकॉज़ कुहू के बर्तन यहाँ पर सब रखे हुए हैं जिसमें उसका खाना बनता है, मैंने उनको अलग अलग कर दिया है ताकि उसमें कोई और खाना ना बनाए। तो मेरे पास एक पुराना ना बैम्बू का ऑर्गेनाइज़र था जो मैंने पहले इस तरफ कॉर्नर में लगाया हुआ था, उसको मैं निकालूंगी। तो मैं ऐसे ट्राइडेंट टेस्ट करके देखती हूँ, देखिए कभी कुछ लगा के देखती हूँ, कभी कुछ लगा के देखती हूँ, फिर थोड़े दिन में बोर हो जाती हूँ तो वो चेंज करती हूँ। सो दिस इज़ द बैम्बू ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best. What is best for you? तो ये जो बैम्बू का रैक था, किचन रैक, किचन शेल, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर कॉर्नर पे मैं रख रही हूँ। और नाउ नेक्स्ट आई गॉट दिस डी आई वाई शेल्फ, जो कि मैंने 300 या 400 रुपीज़ का परचेस किया था, बहुत सस्ता था। ये वुडन का है, बहुत हैवी क्वालिटी वुड नहीं है, बट इट्स गुड। तो यहाँ पर मैंने ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स और बिस्किट्स का एक बॉक्स रख दिया है, और कुहू के जो लंच बॉक्स थे वो रख दिए हैं। और सेंटर पर अभी मैं कंटम्प्लेट कर रही हूँ कि इसको यहाँ पर रखूँ या नहीं रखूँ, बिकॉज इसके ऊपर मैं मटका या फिर ग्लास का कुछ चीज़ रखने का सोच रही हूँ, वाटर, अभी गर्मी आने वाली है उसके अकॉर्डिंग। तो वो सोचते हैं, देखते हैं। तब तक मैं यहाँ पर जो पहले यूज़ कर रही थी उनको क्लीन करके वापस से की जगह पे रखूंगी, और गैस को क्लीन करने की बारी आ गई है, तो गैस क्लीन कर रही हूं। As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Now this is the final look of my kitchen. काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है मैंने।
तो ये जो सिरेमिक जार है इसमें सब कुहू के जो प्रीमिक्स रहने वाले हैं वो आने वाला है, और ये जो वाइट बास्केट है इसमें भी सब मैंने कुहू का जो भी प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए रख दिया है यहाँ पर। तो अब काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। इनफैक्ट ये जो शेल्फ है इसमें देखिए नीचे जो बॉक्सेस हैं, स्टोरेज लंच बॉक्स बोल सकते हो, वो भी कुहू के लिए मैंने रख दिया है, तो ताकि सारी चीज़ें हैंडी भी रहें फटाफट बनाने के लिए और सॉर्टेड भी लगें, मतलब ऐसे घिचपिच ना लगें। सो कुहू भी आप लोगों को हाई बोलने के लिए आई है। सो यस, यही था मेरा फाइनल वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।